यही वजह है कि हमारी अपनी मालेगांव शहर की, हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ शहर, उनकी मेहनत से बना हुआ ये शहर, उसकी एक पहचान हम लोगों को पूरे रियासत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एक अलग पहचान देने की असल में ये मकसद है इसके पीछे है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जरूर जब आप लोगों का साथ रहा, शहर की आवाम का साथ रहा, तो जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो जरूर मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के अंदर एक नई रोशनी के साथ हमारा शहर बाहर के शहरों के अंदर पहचाना जाने लगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग ये बात आप लोग को लगती होगी कि ये प्रोग्राम जो होने जा रहा है, ये प्रोग्राम सिर्फ यहीं पर रुक जाएगा, एक साल हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर इसको इसकी हम लोग शुरुआत किए और अगर आप लोगों का साथ हमेशा रहा तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम को हम हर साल करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। इसकी मुकम्मल मालूमात डॉक्टर हलीम साहब ने आपको दी है, मैं सिर्फ मुख्तसर इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आज मैं समझता हूँ जो खरोश आज से शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, शहर के अंदर एडवर्टाइज हो जाएगी, प्रचार हो जाएगा, अखबार तो रोजाना मुसलसल अखबार के अंदर खबरें आ भी रही है, लेकिन हर घर तक हमारी बात कैसे पहुंचे शहर के अंदर, हर ताल्लुक हमारे मालेगांव शहर के ताल्लुके के अंदर ये बात किस तरीके से पहुंचे इसके लिए, और इतराफ के शहरों के अंदर ये बात किस तरीके से पहुंचे ताकि हमारा ये मेड इन मालेगांव कामयाब हो, इसके लिए हम लोग बायगदा सटाना हो गया, मनमाड़ हो गया, यौला है, नानगांव है, और धुलिया है, चालीस गांव है, और नासिक है, और ये इतराफ के जितने हमारे शहर है वहाँ पर बायकायदा हम लोग अखबार के जरिए भी वहाँ खबर देने वाले हैं, और बायकायदा हम लोग वहाँ पर डिजिटल बोर्ड वगैरह भी शहरों के अंदर लगाने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात के चैनल के जरिए जनता जवाब हो गया, या जो ताल्लुके के अंदर एक अस्मात एक चैनल चलता है वो हो गया, उर्दू टीवी हो गई, इस चैनल के जरिए से हम लोग एक मोमेंट बनाने और कोशिश करने वाले अखबार के जरिए, और बायकायदा हिंदू और मुसलमानों को एक मेहमान बोलकर इसके अंदर हम जोड़ने की कोशिश करने वाले, ताकि एक मैसेज भी अच्छा जाए और जाने एक अच्छा प्रोग्राम हमारा कामयाब हो। उसी के साथ साथ इंतजाम कैसे रहने वाले आप लोगों के सामने, सलीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि उसके अंदर 20 लाख रुपये खर्चा होगा, और ये बात बता दी गई आपको कि जो कल्चर प्रोग्राम होगा तो जो चेयर वहाँ पर होगी ऑडिटोरियम होगा 3000-4000 चेयर का, तो उन लोगों को इसलिए वो नॉमिनल टिकट के जरिए उनको एंट्री दी जाएगी कि शहर के अंदर ऐसे कई प्रोग्राम हुए जो इतनी पब्लिक वहाँ पर पहुँच जाती है कि वहाँ पर धक्का हो जाता है, रेला आ जाता है, चंद्र चंद्री हो जाती है, कोई हादसा ना हो जाए, वो पूरा सेटअप ना टूट जाए, क्योंकि वो कुछ भी रहेगा तो प्लाई का रहेगा, कपड़े का ही रहेगा, पूरा खराब ना हो, इसके लिए एक पब्लिक कंट्रोल करने के लिए वो ऑडिटोरियम के अंदर अपने इसके लिए एक नॉमिनल वो फी दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 20-25 लाख भी जा सकता, 20 के आसपास बैरल खर्चा इसका रहने वाला है। उसी के साथ साथ जो हरी माइंड जो तजवीज आपके सामने रखी है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर भी आप लोग आपस में मशवरा करो, या कुछ राय होगी तो वो दीजिए, क्योंकि उसके अंदर एक आप लोगों से भी हम एक नॉमिनल ले रहे हैं, बाकी का आप अगर एक अंदाज लगा लेंगे तो कितना बड़ा खर्चा कमेटी की तरफ आने वाला है। और हम ऐसा नहीं है कि किसी कारपोरेशन की मदद ले रहे हैं या गवर्नमेंट की मदद ले रहे हैं, हम कुछ भी नहीं ले रहे, बल्कि कमेटी और हम हमारे अपने पास ये रुपया पैसा डालने वाले हैं। आप ये बात समझिए, चंद लोग हम लोग जमा होकर कुछ लोगों से मिलकर हम लोग बुक कर लेते हैं, तो इसके लिए पूरा खर्चा हम लोगों को उठाना है। उसके लिए इंतजाम है, पुलिस डिपार्टमेंट से हम लोगों ने लेकर दे दिया है कि दोपहर 2 बजे से दरे गांव से आने वाली ट्रक, दरे गांव से आने वाली बसेस, बड़ी गाड़ियों को बंद कर दिया जाए और उसको बाईपास से बुलाया जाए। हमने बोला क्योंकि जब पब्लिक आएगी, बच्चे आएंगे, औरतें आएंगी, तो हादसे का खतरा हो सकता है ना, तो इसके लिए वो उनको बोल दिया गया है, लेकर दिया गया कि वहाँ से ब्रेकिंग लगा के आप लोग डाइवर्ट कर देना।
दूसरी बात हम लोगों ने ट्रावेल से जितनी मालिकाओं में जितनी उनसे हमारी बातचीत चल रही है, अभी हम लोग उनको ये बोलने वाले हैं कि भाई बस स्टैंड के पास से, सुपरमार्केट के पास से ऐसा कोई एक हम लोग स्पॉट फाइनल कर लेंगे, और उनको ये बोलने वाले कि आप शहर के लोगों को फ्री के अंदर बसेस उससे आ जाए, उन लोगों को बोलेंगे बस अगर आ जाती है तो जो लोग नहीं आ पाएंगे वहां पर उन लोगों के लिए बसेस का इंतजाम हो, इस तरीके की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। दूसरी अहम बात कि कोई लोग मोटरसाइकिल पे आएंगे, साइकिल पे आएंगे, फोर व्हीलर के ऊपर आएंगे, तो उन लोगों का साइकिल वगैरह चोरी ना हो, गाड़ी चोरी ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसके लिए बाइक जाता जहाँ पर हमारा फेस्टिवल होने वाला उसके बिल्कुल अपोजिट में इस्माइल पीढ़ी वाले उनके जो कारखाना है और उनसे बातचीत हो गई, जो पूरा ग्राउंड वहां पर भी एक ग्राउंड उसको साफ सफाई करके बाइक जाता पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा, और किस एक ग्रुप को तैयार करके उन लोगों को देख भाई नॉमिनल फी आप लो और उनका आप लोग संभालो, साइकिल रहे, मोटरसाइकिल रहे, गाड़ियां हैं, ताकि उनकी हिफाजत रहे, और अगर गाड़ी वगैरह गमी तो वही जिम्मेदार भी वही लोग जो कमेटी रहेगी जो लोग करेगी, ये एक ने इंतजाम हम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात कि शहर के अंदर कभी भी लोड शेडिंग भी शुरू हो जाती है, पावर भी चली जाती है, और मेन प्रोग्राम अपना रात का रहने वाला है, रात में चलने वाला है, तो हम लोग ने पावर हाउस को ये बोला है कि एक मीटर आप लोग हम लोगों को, उसके लिए एक मीटर हम लोग बाइक अदर लेने वाले हैं टेम्पर वाली, पांच दिन के लिए एक मीटर की एप्लीकेशन दे दी गई है कि वो पावर हम लोग लेंगे, ना कि किसी भी आखिरी वगैरह डाल के चलाएंगे तो केस वगैरह होगा, नज़र सबकी रहती है, तो एक मीटर लेंगे, और कोशिश ये होगी कि पावर हाउस से कम इस्तेमाल हो यानी मीटर से, और हम लोग बाइक अदर जनरेटर पूरा इंतजाम हो, जनरेटर के ऊपर पूरा चले, लाइटिंग वगैरह जो जो प्रोग्राम रहेंगे सब जनरेटर के ऊपर चलते रहे, ना कि पावर के भरोसे, ना तो पंद्रह पावर गई तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो इंतजाम उसका भी रहने उसका भी इंतजाम रहने वाला है। दूसरी बात हम लोग कोई होटल वगैरह लगेगी बाइक अदर, वहाँ स्टोव चलेगा, गैस चलेगा, कोई हादसा ना हो जाए, आग ना लग जाए, इसके लिए बाइक अदर हम लोग फायर स्टेशन का हम लोग बाइक अदर पैसा अदा करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेशन से मदद ले रहे, हम लोग पैसा अदा करके एक फायर की गाड़ी वहां पर मौजूद रहेगी। उसी के साथ साथ हम लोग कॉर्पोरेशन को बोलकर एक एम्बुलेंस का और डॉक्टर का एक आर्जी तौर पे कोई मामला हो जाता है तो उसका भी इंतजाम हम लोग वहां पर रखने वाले हैं, और उसके बाद आप जो होटले वाले जो है उनके लिए अलग से एक सेपरेट से रास्ता दिया जाएगा, जो उन लोग का पानी वगैरह गाड़ी का सामान वगैरह लाने के लिए सेपरेट रहेगा, ताकि वो पूरे ग्राउंड में नजर ना आए और उधर से पीछे से उनका सामान वगैरह भी अंदर आ जाए। इन्हें बोलने का मतलब मुकम्मल इंतजाम के साथ ये हम लोग मीडिंग मालेगांव फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को यही अपील करता हूँ कि हम लोगों को शहर का एक अच्छा पहचान, एक अच्छा नाम, हमारी सलाहियत, हमारा रोजगार, हमारा हलाल कमाई जो शहर के अंदर हम लोग करते हैं, और हमारे शहर को हमारे बुजुर्गों ने हलाल कमाई से अपने रोजगार से बढ़ाया चढ़ाया और उसको कहाँ तक पहुँचा दिया, पूरा इतना बड़ा शहर है, बस हम लोगों को उनके ही नक्श कदम के ऊपर इसको सिर्फ रोजगार को और बढ़ाना है, ताकि रोजगार के रास्ते हमारे लिए और शहर के लिए खुले, यही असल में इसका पूरा मकसद था। मैं चाहता हूं कि जो तजवीज़ अलीम भाई ने रखी है उसके ऊपर एक इत्तेफाक बनाकर अगर फैसला हो जाए तो मैं समझता हूं कि तुरंत हम लोग अभी आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से, आगे और बढ़ गए, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग मशवरा दे दें, ताकि हम लोग फिर कमेटी बैठ के उसका फैसला कर लेते हैं। आप लोगों से यही बोलना है कि इसके अंदर जो फहरिस्त है वो तो लेकिन वो लोग भी अगर आज कल में कर देते तो ठीक है, ना तो फिर हम लोग को फाइनल करके उसको ब्लॉक कर देना, फिर किसी का भी हम लोग अंदर लेने वाले नहीं है, ताकि फिर पता है, मैंने बताया कि अगर इतना स्टॉल लगा जितना लाख देना लाखों से बढ़ता है वो पैसा कीमत, मैंने फटाफट जब किसी से हम बात करते किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई इतना स्टॉल है तो इतना लाख, इतना स्टॉल है तो इतना लाख, इतना यानी वो बढ़ने वाला है, खर्चा बढ़ने वाला है, डबल ट्रिपल होने वाला है, और इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होगा, और हम लोग रात दिन हमारे सभी जिम्मेदार अलीम भाई और बाकी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, आप लोग अभी आज कोई गए होंगे तो देखना पूरा ग्राउंड साफ हो गया, रूलर वगैरह चल रहा है, एक आरती ऑफिस बन गई है, बुलाना भी बाइक अगले हफ्ते आप लोगों को बाइक वहाँ बुलाया जाएगा और विजिट कराई जाएगी, आपको बताया जाएगा कहाँ कहाँ कौन सा सेटअप रहने वाला है,
और बाकी जो बच्चों का जो प्रोग्राम अपने स्कूल का जो इंटरव्यू के मुकाबले होने वाले हैं वो है, और उसके अंदर हम लोग जो अवार्ड वगैरह देने वाले हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर जैसे शहर के अंदर खिदमत अंजाम देने अलग अलग शोबों में, जैसे सचिन तैराक हो नाम मिसाल के तौर, बहुत खिदमत करता है, कहाँ कहाँ उसको बुलाना आता है उसको अवार्ड देना है, या कोई नाजर जिससे अगर वो जवानी से बूढ़ा हो गया और वो अपने घर का उसी के ऊपर गुजर बसर कर कर अपनी ज़िंदगी में है, तो उनका भी योगदान ये शहर के अंदर, उनका भी हिस्सा है शहर को बढ़ाने में। तो ऐसे हर सूबे से लोगों को लेकर उनको अवार्ड दिया जाएगा, साथ साथ में आपने फेस्टिवल के अंदर हिस्सा लिया आप लोगों को भी बाकायदा हम लोग वहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी कमिटी में तय होगा वो भी हम आप लोगों को देने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हम लोग ये बताने की पूरे शहर को, पूरे तालुके को, पूरे महाराष्ट्र को बताने की कोशिश करेंगे कि ये वो मालेगांव नहीं है जो आप लोगों के जहन में निकाल दीजिए, ये वो मालेगांव जो सलाहियतमंदों का शहर है, यहाँ पर